जय जोहर और जय जिनेंद्र। मेरे साथ में तुषार चोपड़ा जी है, युवा मोर्चा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। इसके साथ में तिलक भाई पटेल जो हैं, राजीव गांधी वार्ड से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या कहोगे तुषार भाई? जिन मुद्दों को लेकर पिछले 10 साल से भाजपा आना चाह रही नगर निगम में और नगर निगम में आ नहीं पा रही है, उन्हीं मुद्दों को पुनः लेकर कि शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए आज युवाओं का दौर है और एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी पुनः चुनाव के मैदान में उतरी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ही नहीं पूरी रायपुर की जनता जो पिछले 10 साल से नगर निगम में कांग्रेस के सत्ता होने के कारण जो वो झेल रही है उसके कारण अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे शासन आएगा नगर निगम में और शहर को एक मोदी जी की परिकल्पना करते हुए स्मार्ट सिटी के तर्ज पर ये रायपुर शहर डेवलप होगा। क्या लगता है युवा मोर्चा में जुड़े हुए आप, युवाओं से क्या कहना चाहोगे आप? युवाओं से मेरा यही कहना है कि मोदी जी ने आज तक जो जो किया है, आप सबका राज देखें आज, लेकिन मोदी जी ने जो जो बोला, राम मंदिर, धारा 370, देश के ऐसे मुद्दे जो वाकई ज्वलंत मुद्दे थे देश के, वो मुद्दों को लेकर मोदी जी जो सामने आए थे उन सारे मुद्दों का काम मोदी जी ने किया है। राम मंदिर की स्थापना की है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजना लाई है। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में छल के साथ जो कांग्रेस की सरकार आई थी, आज युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन युवा आज भी उस रोजगार के लिए भटक रहा है जिस धोखे से, जिस छल कपट से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आई थी सत्ता के लालच में, लोगों को ये लालच देकर कि रोजगार देंगे और हम सत्ता में आएंगे करके। बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहोगे, कितनी सीटें लग रही हैं अभी बीजेपी की आ सकती हैं? देखिए, एक पार्टी के सदस्य होने के नाते तो हम कहेंगे कि 70 की 70 सीट रायपुर नगर निगम की हम किसी भी हाल में जीतना चाहेंगे, लेकिन बाकी पूरा चीज ईश्वर पे और हमारे पार्टी के दमदार कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि हम कितनी सीट लेके आ सकते हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज होगी एवं अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा जैसे 15 साल राज्य में बही है, वैसे ही इस अगले 5 साल और उसके बाद जितने साल जनता मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी इस रायपुर शहर की परिकल्पना करेगी और सपनों का रायपुर, ड्रीम सिटी बनाएगी रायपुर को। बहुत अच्छा, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।